नमस्कार दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो CSIR नेट जून 2019 में पूछा गया है। कोड बी पार्ट बी और क्वेश्चन नंबर 23 है। लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देख लेते हैं इसको। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका रैंक निकालना है। ऑप्शन है 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को रो अकलिन फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये हम अगर इसको मैट्रिक्स को ए मान लें तो जो मैट्रिक्स है रो अकलिन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको हम ए मान लेते हैं तो ए इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि हमने क्या करना होता है, टॉप में 1 और फिर नीचे 0, फिर सेकंड रो में इस तरफ भी 0 और इस तरफ भी 0, थर्ड रो में इस प्रकार से करते चले जाएंगे। तो पहली रो को तो हमने रखा एज इट इज 1 1 1 1 1, और फिर सेकंड रो में हम क्या करेंगे, सेकंड रो में इस रो को उठा करके इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 1 1 1 1। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को थर्ड रो से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 0, और इसमें ये घटेगा तो 1 1 और 1। फिर हम क्या करेंगे कि फोर्थ रो से थर्ड रो को घटा देंगे तो 0 0 और 0 और 1 और 1। फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ रो को फिफ्थ रो से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 और 1। तो ये एक ही स्टेप में, और ये रो अकलिन फॉर्म तैयार है। तो इसमें क्योंकि 1 नॉन जीरो 1 है, बाकी सारे 0 हैं, इसमें 1 है, इससे इस तरफ भी 0, इस तरफ भी 0, ये 1 है, इससे इस तरफ भी 0, इस तरफ भी 0, ये 1 है, इससे इस तरफ भी 0, इस तरफ भी 0, ये 1 है, ये इससे तरफ 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आई, तो इसमें जितने जो नॉन जीरो रो हैं उसका वो ही उतना ही उसका रैंक हो जाएगा। तो नॉन जीरो रो इसमें 5 हैं, तो इस जो मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।